जिला रामपुर के नगर शाहबाद में धड़ल्ले से चल रहे अवैध कोचिंग सेंटर, आपको बताते चलें इन अवैध कोचिंग सेंटरों का ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है, फिर भी दर्जनों की संख्या में या घरों में चल रहे हैं। इतना ही नहीं, प्राइवेट स्कूल टीचरों के साथ सरकारी शिक्षक भी धड़ल्ले से इन अवैध कोचिंग सेंटर को चला रहे हैं। शाहबाद तहसील परिसर में आज जनहित कमला ईडन गार्डन इंटर कॉलेज के प्रबंधक राजेश चौहान व उनके स्कूली बच्चों ने नगर में चल रहे अवैध कोचिंग सेंटर संचालकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाँ बताओ क्या समस्या है सर? जो गरीब बच्चे हैं सर, वो पढ़ नहीं पाते हैं, कोचिंग नहीं कर पाते हैं, की वजह से सर उन्हें कुछ चाहिए कहीं चाहिए, उन्हें भी शिक्षा का अधिकार है। पढ़ते हो जनहित कमला ईडन गार्डन इंटर कॉलेज? तो क्या समस्या आप बताओ दोबारा से। सर बच्चे हैं गरीब सर, उनके पास पैसे नहीं है सर, उन्हें सर अधिकार है पढ़ने का सर, सर उनके लिए सर जो कोचिंग है सर अधिक कम रुपए में होनी चाहिए ना सर। बच्चे वो सर क्लास में पढ़ाते नहीं है, मास्टर क्लास में पढ़ाते नहीं है, बच्चे कोचिंग जा नहीं पाते हैं सर, बच्चे कोचिंग जा नहीं पाते हैं सर, कोचिंग सर उन्हें भी तो अधिकार है पढ़ने का। तो क्या टीचर क्या कहते हैं, कहते हैं कोचिंग पढ़ने के लिए? हाँ सर। क्या नाम है टीचर का? सभी टीचर स्कूल में पढ़ा कर टीचर कहते हैं कहना मतलब स्कूल में ना पढ़ा कर आपसे कोचिंग में पढ़ाना पड़ता है कोचिंग के लिए। और सर पेरेंट्स सर स्कूल की फीस पे भी नहीं कर पाते हैं, फिर उसकी कोचिंग फीस पे नहीं कर पाते हैं, कहना मतलब स्कूल की फीस नहीं दे पाते हैं, ट्यूशन की कहाँ से देंगे सर? जो कोचिंग में हमें पढ़ाई जाती है हम वो कोचिंग में ना लेकर के हम वो अपने स्कूल में चाहते हैं, कहना मतलब आप विदाउट ट्यूशन स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसको बेहतर तरीके से पढ़ाया चाहते हैं, और जो 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 तैयारी हमें वहाँ कराई जाती है ट्यूशन के अंदर वो हमें स्कूल में हो जानी चाहिए, तो हमारी शिक्षा के लिए थोड़ा अच्छा हो। यहाँ आए हो आप, किसको क्या कहना चाहोगे? यहाँ आके तहसील में आए हो आप, किससे मिलना चाहते हो? सर हमने तो एसडीएम साहब से मिलना चाहते हो? सर उनसे मिल लिए। क्या कहा उन्होंने? प्रबंधक आपके स्कूल का आए हुए यहाँ पर बातचीत हो रही है। उप जिलाधिकारी शहादत को ज्ञापन दिया। उप जिला अधिकारी घनश्याम त्रिपाठी ने मीडिया को बताया कि कमला इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी आए थे यहाँ पे बस बच्चों को लेकर के, और उनका आरोप है कि कुछ अध्यापक कस्बे के प्राइवेट ट्यूशन कर रहे हैं और उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और क्लास में बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। कुछ नाम दे गए हैं उसमें, कुछ प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं और कुछ बताया गया सरकारी स्कूल के हैं, इनकी हम जाँच करवाएंगे, जो निमंत्रण आवश्यक कार्रवाई भी शुरू किया जाए।